सिटी पोस्ट में आपके साथ मैं हूं अनामिका। बात करते हैं कोरोना की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 14 नए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। जी हां, वापस से ये सारी चीजें जो है वो शुरू हो गई हैं, क्योंकि मामला जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। सबसे अधिक 7 कंटेनमेंट जोन पटना सदर अनुमंडल में बनाए गए हैं, जबकि पटना सिटी में 5 और कंकड़बाग में 3 जोन बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पटना जिला प्रशासन द्वारा जिन इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उसे सील करने की कार्रवाई आज से शुरू की जाएगी। यानी कि जिस तरीके से कोरोना के मामले खत्म हो गए थे, काफी घटते जा रहे थे, अब जो है वापस से सील करने की नौबत आ गई है। इलाके में प्रवेश द्वार पर भी बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। इन इलाकों में केवल अनिवार्य सेवा से जुड़े वाहन ही चलेंगे। इन इलाकों में विशेष जांच अभियान शुरू किया जाएगा। जिन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच कराई जाएगी। जहां कंटेनमेंट जोन की बात हो रही है, डीएम कुमार रवि ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद पटना शहर और आसपास के इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दानापुर अनुमंडल की समीक्षा की जा रही है, अगले 1-2 दिन में इस इलाके पर निर्णय होगा। तो कंटेनमेंट जोन में जिस तरीके से पहले तमाम तरह की व्यवस्था की जाती थी, अब वैसी ही व्यवस्था की जा रही है। कंकड़बाग और पटना सिटी इलाके में संक्रमण का फैलाव पहले की तुलना में बढ़ा है, इसलिए इन इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पहले से अति गंभीर माने जाने वाले राजीव नगर को भी इस बार कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। हालांकि राजीव नगर इलाके में किस किस एरिया में कंटेनमेंट जोन होगा ये आज तय होगा। शनिवार है आज, यानी कि आज तय होगा। छठ जो महापर्व संपन्न हुआ उसके बाद स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन को आशंका है कि गंगा के किनारे बसे लोगों में संक्रमण हो सकता है, क्योंकि ये सबको पता है कि छठ पर्व में लोग घाट पे जाते हैं, गंगा घाट पे जाते हैं, वहां पूजा करते हैं, इसीलिए संक्रमण का खतरा वहां पर जो किनारे रहते हैं उन लोगों को ज्यादा है। अब इन इलाकों में विशेष जांच अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही इन इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो जांच के लिए कैंप लगाएगी। डीएम ने बताया कि पटना जिले में पहले से 27 कंटेनमेंट जोन थे। शनिवार को यानी कि आज तय किया जाएगा कि पुराने कंटेनमेंट जोन से कितने को नए में शामिल किया जाएगा। तो वापस से मामले जो है बढ़ रहे हैं, इसलिए सतर्कता बरतनी काफी ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत।